हेलो जी, क्या हाल है? गुड इवनिंग, फ़िलहाल आफ्टरनून है बट इवनिंग, क्योंकि ये वीडियो रात को आने वाला है। तो मैं आ गया हूँ अपने टेरेस पे, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था ये बजट व्लॉगिंग माइक्रोफोन, क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम लिखते रहते हो यार कि कुछ बजट वाला व्लॉगिंग माइक बताओ। तो ये वीडियो इसी के बारे में है, तो फटाफट जाते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली और यूट्यूब चैनल पे मेरे। यार ये है टेक मंगलवार। और ये है बोया का BYVM01 डायरेक्शनल वीडियो कंडेंसर माइक्रोफोन, और सामने आप देख सकते हैं माइक्रोफोन की तस्वीर और ऊपर है बोया की ब्रांडिंग। इस माइक को मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है और इसकी प्राइसिंग है 960 रुपीज़। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साइड में लिखा गया है बोया प्रो ऑडियो सीरीज़। बॉक्स के पीछे मेंशन है इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। बोया का ये माइक है एक पावर्ड माइक्रोफोन, यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको लगेगा 1.5 वोल्ट का AAA बैटरी। और ये माइक्रोफोन डिज़ाइंड है DSLRs, कैमकॉर्डर्स और वीडियो कैमरास के लिए। और नीचे हमको मिलते हैं कुछ तस्वीरें इस माइक्रोफोन के कंपोनेंट्स की, जिसको हम डिटेल में देखेंगे इस अनबॉक्सिंग वीडियो में। बॉक्स के इस साइड पे लिखा गया है इसका मॉडल नंबर, जो कि है BYVM01। तो आइए कर देते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स आई एम डिवाइस स्टाइल में। बॉक्स में सबसे पहले आपको मिलता है ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक एडिशनल डेड कैट या विंडशील्ड विंडी कंडीशन में रिकॉर्डिंग करने के लिए। और इसके साथ आपको मिलता है ये कैरी पाउच, जिससे आप इस माइक्रोफोन को कैरी कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी कम्प्लीटली प्लास्टिक की है और इसके प्राइस के मुताबिक मुझे इसकी क्वालिटी ठीक ठाक लगी। इसके साथ आपको एक विंडशील्ड मिलता है। विंडशील्ड को बाहर निकालते ही हम देख सकते हैं इसका कंडेंसर माइक्रोफोन। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कम्प्लीटली प्लास्टिक की है। माइक्रोफोन के नीचे आपको देखने को मिलेगा ये शॉक माउंट, जिसपे है एक कोल्ड शू और क्वार्टर इंच का माउंट, जिससे आप इसको आसानी से माउंट कर सकते हैं किसी भी कैमरा या ट्राइपॉड पे। इस माइक्रोफोन के साथ आपको मिलता है एक अटैच TRS केबल, जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने DSLRs या मिररलेस कैमरास के साथ। माइक्रोफोन के ऊपर आपको मिलता है ये कंपार्टमेंट, जहां पे आप एक AAA बैटरी को लगा सकते हैं। और माइक्रोफोन के पीछे आपको मिलता है ये ऑन ऑफ का स्विच एक LED इंडिकेटर के साथ, जिससे आप इस माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करने से पहले। तो आइए इस माइक्रोफोन को सेटअप कर लेते हैं अपने कैमरा पे और सुनते हैं कुछ ऑडियो सैंपल्स। ओके, तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे M50 के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ, और अभी मैं कनेक्ट करूंगा ये वाला माइक्रोफोन और देखेंगे इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे आती है। ओके, तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है इस बोया माइक्रोफोन से, जिसको मैंने माउंट किया है मेरे M50 पे। बताना ऑडियो कैसे आ रही है, इसको मैंने कनेक्ट किया है और थोड़ी बहुत ऑडियो सेटिंग्स को भी चेंज की है, इसका गेन थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताना कि ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। तो कुल मिला के बात करते हैं इस माइक्रोफोन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। पॉजिटिव्स की बात करूँ तो 900 रुपये में आपको एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल माइक्रोफोन मिलता है, जिससे आप अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक है इसके प्राइस के कंपैरिजन में। नेगेटिव्स की बात करूँ तो सबसे पहला है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि ये मोबाइल फ़ोन्स के लिए नहीं बना हुआ है, तो अगर आप मोबाइल व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इस माइक्रोफोन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यार कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आपसे मिलने आऊँगा थर्सडे को 2 मिनट थर्सडे के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।